अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल माय पैरोट वाइफ एंड मी। तो फ्रेंड्स, आज के इस टॉपिक में हम जानने वाले हैं गर्मी के मौसम में हम अपने बेबी पैरोट की केयर कैसे करें। गर्मी के मौसम में पैरोट की केयर करना वैसे भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज गर्मी में पैरोट की सडन डेथ हो जाती है। और बेबी पैरोट होंगे तो वो वैसे ही कमज़ोर होते हैं, नाजुक होते हैं, ठीक है, तो उनकी डबल ट्रिपल केयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि मैं आज की इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ। और जो बिगनर होते हैं उनको ये चीज़ से पैनिक हो जाते हैं, उनको डर लगता है कि गर्मी के मौसम में अभी हम बेबी की केयर कैसे करें। तो ये वीडियो आपके लिए है, इसलिए एंड तक वीडियो में बने रहना, स्किप नहीं करना है। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले जो मैं आपको बताने वाली हूँ वो ये है कि आपको अपने बेबी पैरेट को कहाँ रखना है। गर्मियों में बेबी पैरेट को नॉर्मल टेम्परेचर पे रखना है, जिस रूम में आपका नॉर्मल टेम्परेचर होगा उस रूम में। गर्मी कितनी ही ज़्यादा हो, फिर भी अगर वो बेबी पैरेट है तो उनको कूलर या एसी के सामने बिल्कुल भी नहीं रखना है। दैट्स क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये होता है कि बेबी पैरेट को कब नहलाना है। अभी बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो बहुत सारे लोगों के माइंड में ये क्वेश्चन होता है कि अभी गर्मी है तो हम अपने पैरेट को नहला सकते हैं। तो ये क्वेश्चन का आंसर भी मैं आपका दे देती हूँ। अगर आपका पैरेट 3 मंथ से कम का है, छोटा है, तो आपको उसको बिल्कुल भी नहीं नहलाना है। अगर आपका पैरेट 3 मंथ का है या फिर 3-3.5 मंथ का है और उसके बॉडी पे पूरी तरीके से फैदर्स आ चुके हैं तो आप उसको नहला सकते हो। अगर फैदर्स नहीं आए हैं तो आपको उसको नहीं नहलाना है, भले ही कितनी भी गर्मी पड़ रही हो फिर भी नहीं नहलाना है। ओके, नेक्स्ट, गर्मी पड़ रही है तो आपके मन में एक क्वेश्चन आता होगा कि अभी हमको अपने बेबी पैरेट को क्या खिलाना है। तो मैं यही रिकमेंडेड करूंगी कि आप अपने बेबी पैरेट को पेट्स लाइफ का हैंड फीड फार्मूला ही फीड कराएं। जब तक आपका पैरेट, बेबी पैरेट आई मीन, सेल्फ फीड पर नहीं आ जाता तब तक आपको पेट्स लाइफ का हैंड फीड फार्मूला ही फीड कराना है। वो सबसे बेस्ट होता है पैरेट के लिए। नेक्स्ट, आपके माइंड में ये क्वेश्चन होगा, अब गर्मी ज़्यादा पड़ रही है तो हम अपने पैरेट को धूप में रख सकते हैं कि नहीं रख सकते। तो आप सनलाइट में रख सकते हो, आई मीन मॉर्निंग वाली सनलाइट में, वो भी सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट। जब हल्की हल्की सुबह धूप निकलती है ना, उस हल्की हल्की धूप में आपको सिर्फ 10 मिनट रखना है, इससे ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं, वरना वो मर जाएगा। क्योंकि बेबी पैरेट बहुत ज़्यादा नाजुक होते हैं तो उनकी ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत होती है। तो ये चीज़ को आप जितना जल्दी समझेंगे उतनी ज़्यादा अच्छा है, स्पेशली मैं बिगनर्स को बोल रही हूँ। तो ये थे कुछ आपके मन के डाउट्स जिसका मैंने आंसर किया इस वीडियो में, कि उनकी गर्मी में कैसे केयर करनी चाहिए। इसके अलावा भी आपका कोई भी क्वेश्चन होगा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं कमेंट्स का भी रिप्लाई करती हूँ। बट इसके अलावा मैं सेपरेट वीडियो भी बनाती हूँ, बिकॉज कमेंट में सिर्फ उन्हीं लोगों को फ़ायदा होता है जो मुझसे क्वेश्चन करते हैं। वीडियो बनाने से बहुत सारे लोगों का फ़ायदा होता है जिनके मन में सेम क्वेश्चंस या सेम डाउट्स होते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। सो जज़ाकअल्लाह एवरीवन।